तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में सैफ अली खान और अमृता सिंह जब पहली बार मिले थे तब से लेकर उनके डिवोर्स तक का पूरा सफर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। सैफ अली खान जब अमृता सिंह से पहली बार मिले थे तब अमृता सिंह शोहरत की बुलंदियों पर थी। तब पहली मुलाकात के बाद दूसरी मुलाकात और तीसरी मुलाकात में ये जान गए थे कि इन दोनों को एक दूसरे से शादी करनी है और हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहना है। उस वक्त अमृता सैफ अली खान से 13 साल बड़ी थी। सिर्फ यही नहीं, सैफ अली खान भी उस वक्त सिर्फ स्ट्रगलर थे, फिर भी इन दोनों ने प्यार के आगे कुछ नहीं सोचा और शादी कर ली। शादी के बाद सैफ और अमृता ने एक पॉपुलर टॉक शो में अपनी जिंदगी को लेकर काफी कुछ रिवील किया था। जब उन्हें पूछा गया कि सैफ का दूसरी हीरोइन संग काम करना आपको कैसा लगता है और क्या वो इनसिक्योर होती है, तब अमृता ने ये बात कबूल की थी कि मुझे बहुत बुरा लगता है, बल्कि इस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई भी होती थी और कई बार उन्हें ऐसा भी लगता था कि वो सैफ अली खान का सिर भी फोड़ देगी। जहां शादी के बाद सैफ अली खान अपने करियर को पूरी तरह निखारने में बिजी हो गए, तो वहीं अमृता धीरे धीरे पर्दे और एक्टिंग से दूरी बनाने लगी थी। कुछ साल तक तो वो फिल्मों में दिखी, लेकिन माँ बनने से पहले ही उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया। जब 1995 में सारा अली खान का जन्म हुआ तब वो पूरी तरह से परिवार में रम गई, जबकि सैफ अली खान बॉलीवुड में रम गए थे और फिर यही से इन दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। हालांकि कई बार विवाद भी हुए और कई बार सुलझाए भी गए। और जब 2001 में इब्राहिम के जन्म के बाद इन दोनों के बीच बहुत बड़ी खाई आ गई, जो बढ़ती ही गई और आखिरकार 2004 में ये कपल अलग हो गए और आज दोनों भी अलग होकर भी खुश है। तो फ्रेंड्स, ऐसी थी सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी के बाद की स्टोरी। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और भी ज्यादा ऐसे अपडेट के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।